नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल राजस्थान एग्जाम मंत्रा पे। और एक नई क्लास के अंदर और एक नई भर्ती के लिए फिर से तैयार हो जाइए। और आज शुरू करते हैं जीके का पोर्शन। सबसे पहले शुरू करेंगे, मैं आपको सारा जीके का पोर्शन करवाने की कोशिश करूंगा, कुछ और लोगों को भी बुलाने की कोशिश है, और जो सर है वो आपको स्टेटिस का करा देंगे, बाकी आपका जो मैथ रहेगा वो भी आपको करवा दी जाएगी। यानी आपका एसओ का, एलडीसी का, महिला पर्यवेक्षक का और उद्योग प्रसार अधिकारी का, चारों का हम जीके तो हिसाब में करवा रहा हूँ, बाकी जो बच जाता है वो फिर अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जीके के अंदर आज हम शुरुआत करने वाले हैं। जो सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन है जीके के अंदर, राजस्थान जीके की अगर बात करते हैं तो उसमें होता है राजस्थान की कला संस्कृति। तो कला संस्कृति के अंदर हम आज चर्चा करेंगे, आज के इस वीडियो के अंदर राजस्थान के लोक देवता। देखिए, लोक देवता का एक टॉपिक है और उसमें से हर एग्जाम के अंदर जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो लोक देवता का टॉपिक हम सबसे पहले ले रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक, ये जो कला संस्कृति वाले सारे टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग है, इसमें रुचि बनी रहती है। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं लोक देवता से। और सबसे पहले तो आपसे निवेदन रहेगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो हमेशा अपडेट रह सकें। तो शुरुआत करते हैं लोक देवता से। देखिए, लोक देवता क्या होते हैं? लोक देवता ऐसे हमारे आसपास रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अच्छे काम किए हैं और दूसरों की सहायता करते हैं और काफी प्रसिद्ध हो जाते हैं अपने कर्मों के द्वारा, और फिर जो है वो धीरे धीरे जो है कुछ लोगों के द्वारा जो है क्षेत्र विशेष के अंदर उनको जो है वो पूजा जाता है, उनकी जो है वो आराधना की जाने लगती है, तो वो फिर जो है लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे होते हैं लोक देवता। तो एक क्षेत्र विशेष के अंदर एक विशेष व्यक्ति के कार्यों के, अच्छे कार्यों के द्वारा जिनको पूजा जाता है वो लोक देवता कहलाते हैं। तो लोक देवता के अंदर जो है वो सबसे जो मोस्ट चीज होती है, इसमें पांच पीरों का क्वेश्चन हमेशा आता है। तो पांच पीरों के अंदर हो गए अपने बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगो जी, ये पांच पीर है। तो इन सबसे पहले पांच पीरों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिनके अंदर आज के क्रम में हमारा जो है वो है रामदेव जी। रामदेव जी के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। देखिए, रामदेव जी कहते हैं, देखिए सारा तो बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है, तो जो जो मेरे को मोस्ट लगा वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, बाकी जो हम ऐसे चर्चा कर लेंगे। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को पूर्ण विश्वास है कि आपके समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप बता देना, और जो पॉइंट टू पॉइंट आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कहानी के रूप में बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। और जो मोस्ट लगी वो मैंने लिख दिया, बाकी जो भी मोस्ट लाइन होगी वो भी मैं लिख दूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रामदेव जी से, जो कि हमारे पंच पीरों के अंदर पहले पीर है रामदेव जी। तो रामदेव जी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, रामदेव जी का जन्म हुआ था, उस टाइम क्या स्थिति थी? उस टाइम जो है थी, एक तो जो धर्म संबंधी स्थिति थी वो बड़ी विकट थी, हिंदू मुसलमान का झगड़ा होता था और सामाजिक स्थिति बहुत ही विकट थी। इसके अलावा जो था वो समाज में अराजकता फैली हुई थी, और एक था इस टाइम जैसलमेर साइड, जोधपुर साइड के अंदर एक भैरव नाम का राक्षस था जैसलमेर के अंदर, उसका भी काफी जो है वो प्रकोप छाया हुआ था। अब देखिए, रामदेव जी का जन्म इन परिस्थितियों के अंदर तो हुआ था, कैसे हुआ? देखिए, रामदेव जी के पिता का नाम आपको सबको पता है, अजमान जी जो थे इनके पिता थे, और ये जो थे वो पोकरण के शासक थे, पोकरण के ये शासक थे, और वहां के शासक होने के कारण की इनका दायित्व बनता था कि ये अपने पूरे क्षेत्र की जो है वो रक्षा करे। अब क्या हुआ कि अजमाल जी, उनकी माता का नाम जो था रामदेव जी के, अजमाल जी की पत्नी का नाम था मैना देवी। अब यह क्या था कि इन दोनों की ही कोई भी संतान नहीं हुई, विवाह के लंबे टाइम के बाद भी इनके संतान नहीं हुई थी। इस कारण ये काफी दुखी रहते थे कि अब हमारा उत्तराधिकारी कौन बनेगा और राज्य की रक्षा कौन करेगा। साथ ही जो भैरव नाम का राक्षस था वो क्या करता था, बहुत ही खतरनाक था, और वो इस क्षेत्र में उसने काफी आतंक मचा रखा था भैरव नाम के राक्षस ने। तो ये क्या थे कि जो अजमाल जी थे ये द्वारकाधीश के या द्वारकानाथ के जो बहुत ही परम भक्त थे, उनकी आराधना करते थे, उनकी पूजा किया करते थे। तो एक बार ये क्या हुआ था, द्वारकानाथ गए हुए थे और वहां पर ये अपनी पूजा अर्चना कर रहे थे और ईश्वर से स्तुति कर रहे थे, काफी भावुक हो गए और रोते रोते स्तुति कर रहे थे। तो अचानक क्या हुआ कि वहां पर भगवान कृष्ण जो है प्रकट हुए और इनसे बोले कि अजमाल जी, मैं आपकी जो है वो पूजा अर्चना से, आपकी भक्ति से काफी प्रसन्न हुआ हूँ,
तो अब आप मांगिए मेरे से क्या मांगना चाहते हैं। तो ये रोते रोते बोले कि देखिए ईश्वर, आपने मेरे को दर्शन दिए तो मैं आपसे जो है, आपको सब पता है कि मैं आपसे क्या मांगने वाला हूं। मेरा जो है वो कोई भी मेरे जो उत्तराधिकारी नहीं है, कोई मेरी संतान नहीं है, तो आप मेरे को आज आप जो है वो मेरे घर जो है वो पुत्र के रूप में आप प्रकट हुई, आप पुत्र के रूप में मेरे घर में जन्म लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया कि जाइए, आपके घर में जो है वो भीरमदेव नाम का एक पुत्र उत्पन्न होगा। इससे जो है वो अजमाल जी खुश तो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे एक पुत्र होगा, इसमें क्या छोटा क्या बड़ा। तो मैं तो चाहता हूं कि आप जो है वो मेरे घर में जो है वो पुत्र के रूप में जन्म ले। तो इन्होंने कहा ठीक है, आप मेरे इतने बड़े अनुयायी हो, मेरे इतने बड़े भक्त हो, तो ठीक है, मैं आपके घर में जो है वो जन्म लूंगा। और ऐसा कृष्ण ने जो है भगवान कृष्ण ने अजमाल जी को क्या दिया, आशीर्वाद दिया। अब अजमाल जी ने बोला कि ठीक है ईश्वर, आपको मैं कैसे पहचान पाऊंगा कि आप ही मेरे घर पे, आपने ही मेरे घर पे जो है वो जन्म लिया है। तो श्री कृष्ण ने बताया कि देखिए, जब भी मेरा आपके घर पे जन्म होगा तो जो है वो जितने भी आपके पोकण के अंदर मंदिर है उनकी घंटियां बजने लगेगी, और घरों के अंदर जो पानी है वो दूध में परिवर्तित हो जाएगा, शंख वगैरह बजने लगेंगे, आकाशवाणी होने लगेगी, और आपके मुख्य दरवाजे से लेकर पलने तक जो बच्चों को सुलाने का पालना होता है, उस पालने तक जो है वो कुमकुम से पैरों के निशान जो है वो बन जाएंगे। तो आप ये सोच लेना कि मेरा जो है वो अवतार आपके घर पे हो गया है। तो रामदेव जी को पहला क्वेश्चन तो इसमें ये बनता है कि रामदेव जी किसके अवतार थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, रामदेव जी किसके अवतार थे। तो रामदेव जी जो थे वो कृष्ण के अवतार थे। तो ये स्थिति, सबसे पहले उन्हें भीरमदेव पुत्र की प्राप्ति हुई अजमाल जी को, उसके बाद जो है वो 1352 के अंदर भादो शुक्ल पक्ष दूज, जिसे बाबेरी बीज के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन जो है वो उड़ू काश्मीर गांव जो कि शिव तहसील बाड़मेर के अंदर स्थित है, वहां पर जो है वो रामदेव जी जो है अजमाल जी घर पे उनका जन्म होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रामदेव जी का जन्म कब हुआ, तो भादो शुक्ल पक्ष दूज को जो है वो 1352 में रामदेव जी का जो है वो जन्म हुआ। अब देखिए आगे चलते हैं, जन्म हो गया और ये सारी घटना भी उनके घर में, जैसे जब इनका जन्म हुआ था तो आकाशवाणी हुई और मंदिर की घंटियां बजने लगी, तो अजमाल जी को ख्याल आ गया कि हाँ, इस भगवान ने मेरे को आशीर्वाद दिया था और आज हमारे घर में जो है वो कृष्ण जी जो है वो बच्चे के रूप में पैदा हो गए हैं। तो रामदेव जी जो कृष्ण के अवतार थे, और भादो शुक्ल पक्ष दूज बाबेरी बीज के नाम से जाना जाता है इसे, तो इस दिन इनका जो है वो जन्मदिन हुआ था, और इस दिन जो था वो सोमवार था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, क्या था इस दिन, सोमवार, सोमवार का दिन था ये, सोमवार का दिन। इस दिन जो है वो 1352 में जो है वो भादो पक्ष शुक्ल दूज बाबेरी बीज के दिन जो है रामदेव जी का जन्म हुआ। माता का नाम था मैणा देवी, पिता का नाम था अजमाल जी। दो भाइयों का जन्म हुआ था, बड़ा भाई था, एक नंबर था वीरमदेव, वीरमदेव, और दो नंबर पर थे रामदेव जी। ठीक है, अब देखिए विवाह इनके जन्म के बाद ही इन्होंने चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए थे, और अपनी माँ को भी इन्होंने काफी चमत्कार दिखाए। एक बार की घटना है कि ये दोनों भाई खेल रहे थे और इनकी माता जी जो थी वो चूल्हे के ऊपर जो है वो दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ था, और इधर इधर रामदेव जी क्या गिर गए, तो माता जी उन्हें रामदेव जी को संभालने के लिए गई, इधर से दूध जो है उफड़ने लगा और गिरने लगा चूल्हे के अंदर। तो रामदेव जी ने क्या किया कि बिना दूध के उस बर्तन को छुए ही दूध को जो है वो चूल्हे से नीचे उतार के रख दिया, जिसको देखकर इनकी माता जी जो है वो बड़ी आश्चर्यचकित हुई, इनके पिता भी देख रहे थे और उनकी दासियां भी देख रही थी। तो ये पहला इन्होंने चमत्कार दिखाया जिसे रामदेव जी के परिचय भी कहा जाता है। अब देखिए विवाह कैसे हुआ, इनका विवाह जो हुआ था, इनका रामदेव जी का विवाह हुआ अमरकोट, जो कि कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर अमरकोट है। और इसी अमरकोट के अंदर, देखिए इसी अमरकोट के अंदर किसका भी जन्म हुआ था, एक मुगल शासक हुआ था अकबर, अकबर मुगल शासक अकबर, इनका जन्म भी जो है वो कहाँ हुआ था, अमरकोट के अंदर ही हुआ था। हुमायूं के पुत्र थे अकबर, और इनका जन्म भी हुआ था अमरकोट के अंदर। अमरकोट अभी जो है पाकिस्तान में चला गया था, पहले ये राजस्थान का ही हिस्सा था। तो अमरकोट के सोडा दल्ले सिंह जो है वो, और इनकी पुत्री थी निहाल दे या नेत्रदे के नाम से जानी जाती है। तो नेत्रदे या निहाल दे से इनकी जो है वो
शादी हुई थी 100 ग्राम। और बाबू जी का भी जो विवाह हुआ था वो अमरकोट में ही हुआ था, तो कह सकते हैं कि बाबू जी और रामदेव जी दोनों क्या थे, साधु हो गए इस हिसाब से। तो ठीक है, तो अमरकोट के सोडा दले सिंह की पुत्री निहाल दया नेत्रल दे से जो इनका हुआ विवाह। अब देखिए, सांप्रदायिक सद्भावना के देवता के रूप में भी जाना जाता है, तो ये एक मोस्ट क्वेश्चन इसके अंदर बनता है। ये क्वेश्चन बार बार आया कि राजस्थान के किस लोक देवता को सांप्रदायिक सद्भावना के दृष्टि से प्रसिद्ध है या सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाना जाता है? तो रामदेव जी को जो है सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाना जाता है। ये ऐसे देवता थे जिनको हिंदू और मुसलमान जो है वो दोनों ही इनकी पूजा अर्चना करते थे, इनको अपना आराध्य देव मानते थे, जिस कारण जो है इनके जन्म से पहले जो हिंदू मुसलमानों के बीच में तनाव चल रहा था, इनके जन्म के बाद जो वो इन्होंने उस तनाव को जो है वो कम करने का बहुत अच्छा अपना योगदान दिया उस तनाव को कम करने में। इन्हें रुणेश्वर और धनी भी के नाम से भी जाना जाता है, रुणेश्वर रुणेश्वर और धनी, पीरों का पीर और रामसा पीर के भी नाम से जाना जाता है, और कृष्ण के अवतार के नाम से भी इनको जाना जाता है। रामसा पीर इनको किस प्रकार कहा गया इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है, पीरों का पीर किसे कहा जाता है? रामदेव जी को कहा जाता है। देखिए, रामसा पीर इनका नाम कैसे पड़ा, तो हुआ क्या था कि इनके जो चमत्कार थे उन वो रामदेव जी ने जो चमत्कार दिखाए जिसके कारण जो है वो ये काफी प्रसिद्ध हो गए। और इन्होंने क्या किया, जो भैरव नाम का राक्षस था, भैरव राक्षस, उसका भी क्या किया, उसको उससे इन्होंने मुलाकात की और उसको इस प्रकार से उसका नरसंहार कर दिया इन्होंने कि उनको मारा तो नहीं लेकिन इनको भैरव नाम के राक्षस को इन्होंने आदेश दिया कि आप जो है वो कभी भी पोखरण की तरफ कभी नहीं आओगे, और राजस्थान उनको छोड़ के वो भाग गया। तो इस प्रकार जो है उन्होंने भैरव नाम के राक्षस से भी जो है वो पोखरण को राजस्थान को जो मुक्त किया था। तो काफी ये जो है परिचित हो गए, प्रचलित प्रचलित क्या वो प्रसिद्ध हो गए थे अपने स्थान पर। तो इनकी प्रसिद्धि सुनकर जो है वो, और ये हिंदू मुसलमान को एक भी कर रहे थे, तो ये इनकी प्रसिद्धि सुनकर जो है मक्का मक्का में इनकी मक्का तक इनकी प्रसिद्धि फैल गई थी। तो मक्का के कुछ सुपीर थे, उन्होंने सोचा कि चलिए देखते हैं रामदेव जी क्या है, इनकी परीक्षा लेते हैं। तो वो मक्का से आए और जैसे ही वो रुणेचे के अंदर उन्होंने प्रवेश किया तो क्या हुआ कि रामदेव जी वहां उन्हें मिल गए और वो बोले, हाँ जी बताइए पीर जी, आप जो है वो किससे मिलना चाहते हैं? तो इन्होंने बोला कि जी हम तो रामदेव जी से मिलना चाहते हैं। और रामदेव जी ने अपने घर पे लेके गए और महल में उनका बड़ा आदर आदर सत्कार किया, इनके लिए अच्छा अच्छा भोजन जो है वो बनवाया गया और अच्छी खासी मेहमान नवाजी की गई। अब क्या हुआ कि खाने का समय हुआ तो सब जो पीर बैठ के खाने के लिए और रामदेव जी ने भोजन परोस दिया। तो पीरों को तो इनकी परीक्षा लेनी थी, तो उन्होंने पीरों ने कहा कि देखिए मैं हम जो है वो अपने जो बर्तन थे बर्तन वो जो है वो बर्तनों का नाम था, मेरे नाम याद नहीं हो रहा है, बर्तनों का नाम बता देता हूँ, सीपियां, हाँ बर्तनों के नाम बर्तन थे, किसके बर्तन थे वो पीर के, उन्हें सीपिया कहा जाता था, सीपिया। तो ये पांचों पीर जो पीर आए थे वो बोले कि हमारी जो सीपियां हैं जो खाने का बर्तन है वो हम जो है वो मक्का के अंदर ही भूल आए हैं, तो हम तो अगर भोजन करेंगे तो उन सीपियों के अंदर ही करेंगे वरना हम भोजन नहीं करेंगे। तो रामदेव जी ने कहा कि देखिए हमारी जो है वो रिवाज है कि घर पे आए हुए किसी भी मेहमान को जो है वो बिना खाने के नहीं जाने दिया जाता है, और इन्होंने काफी निवेदन किया कि आप खाना खा लीजिए, लेकिन नहीं खाया। तो फिर रामदेव जी ने जो चमत्कार दिखाया और क्या किया कि जिस जिस पीर के घर में जो जो सीपियां थी उनकी वो ला के उनके सामने प्रकट कर दी, रख दी। और इस चमत्कार को देखकर जो है वो ये जो पीर आए थे मक्का से वो काफी आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कहा कि हम तो पीर हैं और आप जो है वो पीरों के ही पीर है। तो इस प्रकार इन्हें जो है पीरों का पीर की जो वो संज्ञा दी गई थी। और क्या हुआ था कि ये रामदेव जी थे वो मल्लिनाथ के क्या थे, समकालीन थे। मल्लिनाथ जो थे उनके समकालीन थे, और ये जो थे वो मल्लिनाथ जी ने इन्हें क्या दिया था, पोकरण दिया था, पोकरण पोकरण दिया था, जागीरदार जागीरदार के रूप में, जागीरदारी के रूप में पोकरण इन्हें दे रखा था कि आप पोकरण के जो जागीरदार उनके मालिक हो। तो अब क्या किया कि पोकरण इन्हें मिला हुआ था लेकिन इन्होंने अपने भतीजी भतीजी की शादी में, भतीजी
भतीजी की शादी में क्या क्या पोपट को जो है वो अपनी भतीजी की शादी में दहेज के रूप में दे दिया, दहेज के रूप में दे दिया, और स्वयं जो है वो यहां आ गए। कहां आ गए? रुणेचा आ गए, रुणेचा चले आए, और रुणेचा में जो है वो एक नए नगर की स्थापना की, जो कि रामदेव जी की जो है मुख्य स्थल के रूप में आज काफी प्रसिद्ध हो गए, और यहाँ पर जो है आसपास के लोग आना शुरू हो गए। तो मल्लिनाथ जी इनके समकालीन थे, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रामदेव जी के जो समकालीन थे वो कौन थे? तो मल्लिनाथ जी थे। और चलिए, रामदेव जी शिष्य किसके थे? तो देखिए, रामदेव जी जो शिष्य थे वो बालीनाथ के शिष्य थे, बालीनाथ के ये शिष्य थे। और इन्होंने क्या किया, कांवड़िया पंथ की स्थापना की। कांवड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो 13 ताली नृत्य करती है, 13 मंजीरे जो होते हैं उनको अपने शरीर के विभिन्न विभिन्न हिस्सों पे बांध लेती है, जैसे 2 घुटनों पे, 2 बाजों पे, 2 हाथों पे, इस प्रकार 13 मंजिरों को बांध के जो है वो उनको बजाते हुए जो नृत्य करती है उसे 13 ताली नृत्य कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है हर बार, 13 ताली नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? तो कांवड़ पंथ की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा 13 ताली नृत्य जो है वो किया जाता है। इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था, शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन था वो हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के लिए इन्होंने एक शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। इसके अलावा इन्होंने जो है वो बहुत सारे चमत्कार दिखाए, और उन चमत्कारों को जो है वो पर्चा या पर्चे के नाम से जाना जाता है, पर्चा या पर्चे के नाम से इन चमत्कारों को जाना जाता है। तो क्वेश्चन हमेशा आता है कि रामदेव जी के द्वारा जो है पर्चा या पर्चे किससे संबंधित है? रामदेव जी से, या हम क्या किया कि ये पर्चा और पर्चे इसी नाम से एक पोकड़ के अंदर एक बावड़ी बनी हुई है रुणेचे के अंदर, पर्चा बावड़ी। तो पर्चा बावड़ी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जैसलमेर से संबंधित है, रामदेवरा से संबंधित है, रुणेचे से संबंधित है, रामदेव जी से संबंधित है। तो पर्चा बावड़ी का निर्माण कैसे हुआ और इसका नाम पर्चा बावड़ी कैसे पड़ा? इनके रामदेव जी के शासन काल के अंदर इनका एक दरबार के अंदर व्यक्ति था, मोहित राज नाम का एक सेठ था। कौन था? एक सेठ था, मोहित राज नाम का सेठ था, और वो इनके दरबार में रहा करता था। तो रामदेव जी ने एक बार उन्हें अपने पास बुलाया और कहा कि तुम जाओ और विदेश में जाके जो है वो अपना व्यापार शुरू कर दो। तो इनके आदेश पे मोहित राज जो है वो विदेश गए, और वहां पे जो है उन्होंने काफी अच्छा अपना व्यापार सेटल कर लिया। इनके आशीर्वाद से वो खूब सारा पैसा धन दौलत कमा ली, और धन दौलत कमाने के बाद एक बार इन्हें ख्याल आया कि अब जो है वो मुझे अपने मूल स्थान रुणेचा जाना चाहिए और रामदेव जी से भेंट करनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, एक बड़ा ही शानदार जो वो हार बनवाया, और अपना जो भी पैसा धन दौलत कमाई थी उनको कुछ बक्सों के अंदर भर दिया, और वो जो नाव से वापस आ रहे थे भारत की ओर। तो अब हुआ क्या कि ये थोड़े लालची हो गए, और उन्होंने सोचा कि इतना महंगा हार है, क्या देना है रामदेव जी, किस काम का है? वो तो वैसे भी गरीबों की सहायता करते हैं हमेशा, दीन दुखियों की सहायता में लगे रहते हैं। तो ये क्या किया, वो हार भी जो है वो अपने पास रख लिया, और रास्ते में नाव के द्वारा आ रहे थे तो अचानक बहुत बड़ा समुद्र के अंदर तूफान आ गया। इन्होंने सब लोगों, सब लोग अपने जो भी देवी देवता थे उनको याद कर लिया, और फिर अंत में इन्हें ख्याल आया रामदेव जी का, और वहीं पर रामदेव जी की स्तुति करनी शुरू कर दी, उनकी आराधना करनी शुरू कर दी, और रामदेव जी ने जो है वो इनको उस संकट से बचाया। और फिर जो है ये रामदेव पहुंचे, रुणेचा पहुंचे, और रुणेचा पहुंच के रामदेव जी से जो है इन्होंने क्षमा मांगी कि मेरे को लालच आ गया था। अब आप ही बताइए कि ये जो मैंने इतनी ज्यादा धन दौलत, जो हीरे जवाहरात सोना चांदी कमाया है, उसका मैं क्या करूं? तो रामदेव जी ने आदेश दिया कि आप जो है वो एक यहाँ पर बावड़ी बना दीजिए, और जिसके अंदर जो है वो मीठा पानी होगा, और इसका पानी जो है वो गंगा नदी के समान जो है वो पवित्र होगा। तो इस प्रकार जो है मोहित राज ने ये पर्चा बावड़ी बावड़ी का निर्माण किया, जिसको बाद में पर्चा बावड़ी नाम दिया, क्योंकि चमत्कार के कारण ही बावड़ी बनी थी रामदेव जी के, तो इसको पर्चा बावड़ी के नाम से जाना जाता है। तो इसका निर्माण मोहित राज के द्वारा किया गया था। एक अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आया था कि रामदेव जी की जो ध्वजा है, रामदेव जी की जो ध्वजा है उसे किस नाम से जाना जाता है? देखिए, रामदेव जी की जो ध्वजा है वो 5 रंगों की होती है, 5 रंगों की ध्वजा। ध्वजा को जो है नेजा के नाम से जाना जाता है, 5 रंग की ध्वजा को नेजा के नाम से जाना जाता है। इनके जो घोड़े घोड़ा है वो नीला घोड़ा, इनकी जो है वो सवारी है, नीला घोड़ा सवारी है, और इनका जो चढ़ावा है, चढ़ावा रामदेव जी का चढ़ावा वो भी क्या है, कपड़े का
घोड़ा, कपड़े का घोड़ा जो है चढ़ावे के रूप में रामदेव जी को चढ़ाया जाता है। कपड़े का घोड़ा जो है रामदेव जी को चढ़ावे के रूप में क्यों चढ़ाया जाता है, इसके पीछे भी एक कहानी है। देखिए कहानियों को जो है हम जल्दी याद कर लेते हैं, इसलिए कहानी बताने की कोशिश करूंगा। आप बता देना कमेंट में नेक्स्ट वीडियो किस प्रकार बनाना है, आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सारी को आप कहानी के रूप में याद कर लोगे तो एक बार याद कर लिया तो मेरे हिसाब से आप जो है कभी भूल नहीं पाओगे। तो देखिए रामदेव जी ने क्या किया, कपड़े का घोड़ा क्यों चढ़ाया जाता है, इसके पीछे भी एक जो कहानी थी। क्या कहानी थी कि जब रामदेव जी छोटे थे, बाल्य अवस्था में थे, तो एक बार इन्होंने क्या कर लिया, एक जिद कर लिया कि मेरे को जो है वो घोड़े की सवारी करनी है, मेरे को घोड़ा चाहिए। बाल्य अवस्था में घोड़े की सवारी हो नहीं सकती, तो इनके पिता अजमाल जी ने क्या किया कि यहाँ का जो दर्जी था, जो टेलर था, उसके पास गए और उन्हें जो है वो कीमती मूल्यवान मखमल का कपड़ा दिया कि आप जो इस कपड़े का एक अच्छा सा जो है वो शानदार घोड़ा बना दीजिए। अब क्या किया कि इतना मूल्यवान कपड़ा देख के उस दर्जी के मन में क्या आ गया, लालच आ गया, और उसने क्या किया बहुत सारा कपड़ा जो है वो अपने घर ले गया और थोड़े से कपड़े से जो है वो घोड़ा बना दिया। अब घोड़ा बना दिया और रामदेव जी को उन्होंने दे दिया। और जैसे ही रामदेव जी उस घोड़े पर बैठे और उन्होंने क्या किया उस घोड़े को, क्योंकि रामदेव जी तो भगवान कृष्ण का अवतार थे, इसलिए वो उस घोड़े को लेके आसमान में उड़ गए। और यह सूचना जब उनके पिता अजमाल जी को पता चले कि उनका बेटा जो है वो घोड़ा लेके उड़ गए, तो वो भी काफी आश्चर्यचकित हुए। और इन्होंने क्या किया कि गुस्से में आके जो उस दर्जी को जो है वो बंदी बना लिया कि तूने ऐसा कौन सा घोड़ा बना दिया, कौन सा जादू टोना कर दिया कि मेरा बेटा जो है घोड़ा लेके आसमान में ही उड़ गया, क्योंकि घोड़ा तो नकली था। और फिर जो है वो 2 दिन 1 दिन बाद रामदेव जी वापिस आए और उन्होंने जो वो है वो दर्जी को जो क्षमा कर दिया, दर्जी इनके पैर में पड़ गए और उन्होंने अपनी सारी गलती को स्वीकार कर लिया कि मैं जो लालच में आके इस प्रकार जो है वो कपड़ा मूल्यवान था इसलिए अपने घर पे ले गए। और क्योंकि रामदेव जी बहुत ही दयालु थे तो इन्होंने इसे क्षमा तो कर लिया, लेकिन उसके बाद जो है इस घटना के बाद जो है वो इनके रामदेव जी के चढ़ावे के रूप में यानी जो कपड़े का बना हुआ सफेद घोड़ा जो है वो चढ़ाया जाने लगा। तो ये इनका जो हो गया चढ़ावा क्या है ये पूछा जा सकता है। सवारी तो इसका नीला घोड़ा है रामदेव जी का, और चढ़ावा जो है वो कपड़े का बना हुआ सफेद घोड़ा है। अब देखिए जो मेघ वाल जाति के जो भगत है इनके, ये क्वेश्चन बार बार पेपर के अंदर आता है कि रीख या किससे संबंधित है, रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भगत है वो रीख या कहलाते हैं। अब देखिए इनके 2 बहनें थी डाली बाई और सुगना बाई। अपने आप राजस्थान के, चूंकि आपने बहुत सारे रामदेव जी के कोई गीत वगैरह सुने तो डाली सुगना का भी जिक्र आता है। तो डाली बाई जो थी वो इसकी क्या थी, रामदेव जी की धर्म की बहन थी। ये मेघवाल जाति की थी डाली बाई, और मेघवाल जाति की थी, और इनको जो है रामदेव जी ने अपने धर्म की बहन बनाया था, और ये इनकी सगी बहन थी सुगना बाई। तो रामदेव जी की 2 बहनें थी। अब देखिए इसके अलावा क्या हुआ था कि रामदेव जी की जो मंदिर है जो रामदेव जी की जो मंदिर को क्या कहा जाता है, देवरा कहा जाता है। रामदेव जी की जो मंदिर है, रामदेव जी का जो मंदिर है उन्हें देवरा कहा जाता है। और इनके जो प्रिय भगत, जो भगत यात्री हैं यानी जो पैदल चल के यात्रा करके जो है इनके रोड़ेचे में पहुंचते हैं, उन्हें जो है क्या कहा जाता है, उन्हें चातुर कहा जाता है, चातुर। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रामदेव जी की जो मंदिर है उन्हें क्या कहा जाता है, देवरा, और जो यात्री होते हैं यात्री भगत उन्हें जातरू कहा जाता है। और इनकी आराधना में जो जागरण लगाया जाता है उसे जम्मा जागरण कहा जाता है, ठीक है, जम्मा जागरण या रात्रि जागरण। तो ये हो गए। इसके अलावा ये एकमात्र ही ऐसे लोक देवता थे जो क्या थे, कवि थे। इन्होंने क्या किया था, 24 वाणियों की रचना की थी। तो ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, मोस्ट क्वेश्चन है कि एकमात्र लोक देवता कौन थे जो कवि थे, तो 24 वाणियां जिन्होंने रचना की थी। तो रामदेव जी थे वो एकमात्र लोक देवता थे जिन्होंने क्या की थी, 24 वाणियों की रचना की थी। लगभग लगभग आ गए, कुछ और बता देता हूँ उसमें जो रह गए वो देख लेते हैं एक बार। चढ़ावा कपड़े का घोड़ा हो गया। अच्छा अब क्या किया कि रामदेव जी का विवाह हो गया और इन्होंने काफी चमत्कार भी दिखा दिए। अब जो है वो एक है राम सरोवर नाम का स्थान है रुणेचे के अंदर, राम सरोवर नामक स्थान पे जो है वो रामदेव जी की बहन ने जिसका नाम था डाली बाई, उन्होंने क्या की समाधि ली, जिंदा समाधि डाली बाई।
रामदेव जी की बहन थी जिसने राम सरोवर नामक स्थान पर जिंदा समाधि ले ली थी, और इसकी समाधि के एक दिन बाद क्या किया, रामदेव जी ने भी इसी स्थान पर जो है वो जिंदा समाधि ले ली। रामदेव जी समाधि, और ये समाधि किसने ली थी, उन्होंने ये समाधि ली थी उन्होंने भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को। लगभग 1442 विक्रम संवत के अंदर जो इन्होंने यहां पर समाधि ले ली थी, और कहा था कि इन्होंने समाधि लेने से पहले सब गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि मैं जो है यहाँ पर समाधि ले रहा हूँ, यहाँ पर जो है वो प्रति वर्ष जो है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से लेकर एकादशी तक, कहा तक भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से लेकर और एकादशी तक जो है वो क्या भरेगा, मेरा मेला भरेगा, एकादशी तक क्या भरेगा, मेला भरेगा। और इन्होंने जो है वो फूल वगैरह हाथ में लेकर और सबका आशीर्वाद लेकर जो है वो यहाँ पर 1442 विक्रम संवत है, और ये शक संवत है विक्रम संवत 1442 को जो इन्होंने समाधि ले ली। इनका जो जीवन काल था वो 33 वर्ष का जीवन काल था, और 33 वर्ष के जीवन काल में इन्होंने काफी बहुत ही जो है वो समाज सुधारक और भैरव राक्षस का वध है, बहुत सारे ऐसे काम किए जिसके कारण जो है वो ये लोक देवता के रूप में जो है वो विख्यात हो गए। और इनकी मैंने बता दिया वास्तविक बहन जो थी वो इनकी सुगना बाई थी, और इनकी जो फंड है वो बीकानेर जैसलमेर में ब्यावले जो इनके भक्त है उनके द्वारा जो है वो बांची जाती है। अब देख लेते हैं इनके जो प्रमुख मंदिर है, तो इनका एक प्रमुख मंदिर तो हो गया रामदेवरा के अंदर, जहां भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक जो हो मेला भरता है रामदेवरा यानी बुणेचे के अंदर। दो नंबर इनका जो मंदिर है वो ब्राट या अजमेर के अंदर है, बर नामक स्थान पे इनका एक मंदिर है ब्राट या अजमेर बर नामक। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन तो बार बार आता है, तो पूछा जा सकता है कि अजमेर में रामदेव जी का मंदिर कहाँ है, तो ब्राट या अजमेर बर नामक स्थान पे। तीसरा मंदिर जो है सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर। और चौथा मंदिर है इनका मसूरिया जोधपुर के अंदर, मसूरिया। और पांचवा मंदिर है अधर शिला जोधपुर के अंदर। तो ये हो गए रामदेव जी अपने लगभग लगभग सब आ गए हैं, कुछ भी बाकी नहीं रहा है। और एक इसमें ये बाकी रह गया कि छोटा रामदेवरा किसे कहा जाता है, छोटा रामदेवरा ये क्वेश्चन भी हमेशा आता है रामदेवरा। तो गुजरात को जो है वो गुजरात को छोटा रामदेवरा कहा जाता है। एक इसमें कंफ्यूजन वाला प्रश्न ये है कि रामदेवरा जो थे वो रुणेचे के नाम से प्रसिद्ध है, रुणेचे के नाम से प्रसिद्ध है, सारा इन्होंने अपना जो कर्म किया था रुणेचे के अंदर किया था, लेकिन इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, बाड़मेर के अंदर हुआ था। और ये इन्होंने जो कार्य कर्म स्थली थी इनकी वो क्या थी, जैसलमेर थी। तो इसमें काफी कंफ्यूजन आ जाता है, कुछ लोग इसको जो है जन्म स्थान में जो वो रुणेचा कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि इनका जन्म जो है अपन 1352 में कहां हुआ था, बाड़मेर के उड़ू कश्मीर गांव सन शिव तहसील के अंदर इनका जो है वो जन्म हुआ था। और ये जो इनका कर्म स्थली थी यानी कार्य स्थली थी वो थी जैसलमेर। तो ये हो गए रामदेव जी। अगर आपको कुछ पूछना है या अपनी राय देनी है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और कल हम करेंगे। ये तो एक डेमो वीडियो है, तो आप बताओ आपको कैसा लगा आज के वीडियो में। बस इतना ही, लाइक कीजिए वीडियो पसंद आया तो, और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। धन्यवाद।